कितने लोग हैं इस कंपनी का प्लान पहली बार देख रहे हैं? चलिए आप सभी लोग हमारे मेहमान हो, मैं चाहता हूँ जितने हमारे पुराने लोग हैं हमारे नए वाले लोगों के लिए जोरदार ताली बजाएं। उनको भी पता चलना चाहिए कि हम अपने मेहमान का स्वागत कैसे करते हैं। यस नो? यस। तो बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पे बताया कि इस बिजनेस में काम करके हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। आज से करीब 1.5 साल पहले इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी यहाँ पे, और शुरुआत किया था तो यहाँ पे हर शख्स के अंदर दिमाग के अंदर हमेशा एक ही बात होती है कि हम तो शुरुआत कर लेंगे लेकिन लोग नहीं जुड़े तो क्या होगा। यस नो? यस। जैसा कि मैम अभी बता रही थी कि अगर आप यहाँ से 2500 रुपये की शॉपिंग करते हो तो 2500 रुपये के अंदर आपको 5000 रुपये का माल मिलता है। फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। यस नो? अगर कोई नहीं भी जुड़ा तो आपका फिर भी 2500 रुपये का फायदा है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। और इसी सोच के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और जिस जो शख्स मेरे को इस कंपनी के बारे में बता रहा था उसका सिर्फ एक ही कहना था कि सूरज जी आज आपके घर का जो भी सामान है आप उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी पड़ोस वाली दुकान से लेके आ रहे हो, और हर महीने 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा होता है लेकिन आपके खाते के अंदर 1 रुपये भी आता नहीं। अगर उसी पैसे को खर्च करके महीने का अगर आपको 4 से 5 हज़ार रुपये आने लग जाएगा तो इसमें कोई बुराई है? नहीं। तो मेरा जवाब था बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन मन के अंदर एक ही सवाल था कि ऐसा होता नहीं। मतलब उनके सामने तो बोल रहे जैसे आप सभी बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हो, इसी तरीके से मेरा भी यही जवाब था कि हाँ सर कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन मन के अंदर यही लगता था ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन उनकी बात मानते उन्होंने बोला सर शुरुआत करिए, और यकीन मानो उनकी बात तो मैंने माना, और मेरे दिमाग में यही बात थी अगर 4 से 5 हज़ार रुपये आएगा तो मेरे कमरे का जो किराया जाता है ना वो किराया साइड से निकलता रहेगा। और इस सोच के साथ मैंने शुरुआत किया था और भरोसा किया, और भरोसा करने के बाद जब काम करना स्टार्ट किया तो जैसा कि हर किसी के साथ सेम दिक्कत आती है, जब हम लोगों को बताने जाते हैं तो लोग जुड़ते नहीं हैं, लोगों को एक ही जवाब होता है सर आप जुड़ जाओ, आप कमाने लगना हम भी आ जाएंगे आपके पीछे। यस है ना? यस। तो शुरू में हर किसी के साथ दिक्कत आती है, काम चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो शुरू में दिक्कत आती ही आती है। हम एक नई नौकरी करने भी जाएंगे तो वहाँ के जो पुराने लोग रहते हो नए वाले लोगों को तंग करते हैं, ये भाई प्रकृति का नियम है कि शुरू में आपको दिक्कत झेलनी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ समय तक अगर आपने उस दिक्कत को झेल लिया तो यकीन मानो वो सारे लोग जो वहाँ के हैं वो सारे लोग आपको अपना लेंगे, ऐसा होता नहीं होता। तो इसी तरीके से जब इस बिजनेस में आप काम करोगे मेहनत करोगे, और मेहनत करने के बाद कुछ समय वो आपके साथ ना जुड़े लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते वो लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। और इसी सोच के साथ जब मैंने शुरुआत किया था, अब जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे नए लोग आए हैं, जब उनको इस कंपनी का प्लान बताया जा रहा होगा तो उनको बताया होगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराना है। यस नो? यस। प्लान देखते देखते हमारे दिमाग के अंदर ये बात क्लियर हो जाती है कि एक मेरा भाई वहाँ रहता है उसको ज्वाइन कराएंगे, और एक भाई मेरा गांव में रहता है उसको ज्वाइन कराएंगे, मतलब ये क्लियर हो जाता है कि हाँ 2 बंदे तो हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम उन दोनों लोगों से बात करते हैं तो उनका जवाब क्या आता है, भाई ऐसी कंपनी में कुछ भी होता नहीं, और फिर हम डिमोटिवेट होके आ जाते हैं, और जो हमारा जो भी कार का हवाई जहाज का ड्रीम का जो भी कुछ रहता है तो खत्म हो जाता है। लेकिन जब मैंने इस कंपनी का प्लान देखा था, मैंने मेरा भाई एक गुड़गांव में रहता था और एक मेरा भाई 7.5 कुश्ती में रहता है, तो मैंने सोचा था कि इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे बढ़िया सही तरीके से काम करेंगे। और जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला सूरज बिल्कुल भी ऐसी कंपनियों में बिल्कुल भी मत जुड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पैसा फंसाने वाली बात होती है। मतलब पहले तो लोगों का ये रहता था कि भाई चेक आता वो क्लियर नहीं होता, लेकिन अभी तो चेक भी नहीं आता, अभी तो डायरेक्ट खाते के अंदर पैसा आता है। लेकिन आज भी जब मैंने शुरुआत किया था मेरे दिमाग के अंदर ये डर रहता कि 2 नहीं बनेंगे, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को बताऊं आज मेरी टीम के अंदर 2000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। और अच्छी बात क्या है कि आज भी मेरे परिवार का एक भी शख्स मेरी टीम के अंदर ज्वाइन नहीं, ये अच्छी बात है, ताली बजा सकता हूँ। मानो जो आपके अपने हैं वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आप उनको कितना भी समझा लो क्योंकि वो आपके साथ बचपन से रहे हैं और आपको हमेशा देख रहे हैं कि ये हमारे साथ कैसे घूमा कैसे रहा है। अब जैसे मान लो अभी मैं कोट पैंट में हूँ, लेकिन जो मेरे साथ के बचपन के दोस्त होंगे उन्होंने तो देखा नहीं होगा इसे कि नहीं, तो मैं उनको कोई अलग चीज बताऊंगा तो मेरी बात पे भरोसा करने वाले नहीं। लेकिन जो लोग मेरे को नहीं जानते वो कहीं ना कहीं मेरी बात पे भरोसा करेंगे। और शुरुआत किया, काम करना स्टार्ट किया, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरा बिजनेस
चलता है। जब मैं काम करना स्टार्ट किया था तो पूरा दिन काम करता था, लोग जुड़ते नहीं थे, लेकिन आज मैं पूरा दिन काम नहीं भी करूं तब भी मेरी टीम में लोग बाग जुड़ते हैं। ये अच्छी बात है। पहली मतलब यह है कि शुरुआत करिए, क्योंकि यहाँ पे जाने के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वही पैसा लगाना जो हर महीने आप अपने पड़ोस वाली दुकान को, और उसी पैसों को लगा के अगर महीने का आपको 10-15 हजार रुपए आना स्टार्ट हो जाएगा तो कोई बुरी बात है नहीं। कोई बुरी बात भी लगातार सामान लेके आता रहता है, वो गरीब का गरीब बेचारा रहता है। क्या करते हैं, हम कोशिश नहीं करते, लेकिन एक इंसान जो रिस्क लेता लाइफ के अंदर हमेशा वो सफल होता। और मैंने यही काम किया, शुरुआत किया काम करना, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, नई लोग जुड़ेंगे कोई मतलब ही नहीं, लेकिन यहाँ पे 2500 रुपये में 5000 रुपये का माल मिल रहा है, अगर एक महीने खरीद लिया तो दूसरे महीने खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सोच के साथ शुरुआत किया था, लेकिन आज लगातार बिजनेस बनता ही चला जा रहा है, और 1.5 साल के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताऊं तो 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा मैं यहां से कमा चुका हूं। आप सभी लोगों के घर के अंदर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है वो प्रोडक्ट आप सभी लोग बनाते नहीं हो, किसी ना किसी दुकान से लेके, और उसी प्रोडक्ट को मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आज मेरे खाते के अंदर हर महीने 10 से 10 हजार रुपए से लेके 35 हजार रुपए तक हर महीने ट्रांसफर होता है, लेकिन आप सभी लोगों की जेब के अंदर 1 रुपए भी ट्रांसफर नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप सभी लोगों ने डिसीजन नहीं लिया, और ये पैसा आपका हर महीने खर्च होना ही होना है, आप काम करो तो भी ना करो तो भी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसके अंदर आपको सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट मिलेंगे, आपके घर के प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको तेल साबुन मर मसाला जो भी आपके घर में इस्तेमाल होता है। आप देखो लॉकडाउन के अंदर 2 चीजें सबसे ज्यादा चली है, एक परचून की दुकान नहीं बंद हुई, दूसरी मेडिकल की दुकान, मतलब कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए ये दोनों चीजें कभी बंद होने वाली नहीं, और हम इन्हीं दोनों चीजों पे काम करते हैं। और आने वाले समय में लोग बस दुकान से प्रोडक्ट खरीदना पसंद भी नहीं करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि ऑनलाइन लोगों को इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलती चली जा रही है, ठीक है। तो आप घर बैठे, ये एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप रजाई में भी रहोगे तब भी आपको लगातार पैसा, क्योंकि रजाई में रहके हम नौकरी नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन रजाई में रहके हम कॉलिंग पे बात कर सकते हैं, और कॉलिंग में रजाई में रहके पूरी दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों से हम बात कर सकते हैं, और लोगों हर किसी को हम अपनी टीम के अंदर जोड़ सकते हैं। और ये जो बिजनेस है सिर्फ बात करने का है, हमने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बड़े बुजुर्ग को सुना होगा कि बेटा बातें करना बहुत आसान है, कितने लोगों ने सुना इस बात को, बड़े बड़े बोलते हैं ना बेटा बात करना बहुत आसान है लेकिन काम करना, तो मैं आपको बताऊं ये दुनिया का सबसे आसान काम है इस बिजनेस के अंदर, सिर्फ बात करना है, काम नहीं करना, सिर्फ बात करना है, और जिसको जितनी अच्छी यहाँ पे बात करनी आ गई वो उतना अच्छा पैसा। अब जैसे मैं महीने का 10 हजार रुपए से लेके 35 हजार रुपए तक कमाता हूँ, लेकिन जो मेरे सीनियर है वो महीने का 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक महीने का, क्योंकि वो मेरे से अच्छी बात, तो आप सभी लोगों को शुरुआत करना है, वो महीने का 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक महीने का, क्योंकि वो मेरे से अच्छी बात, तो आप सभी लोगों को शुरुआत करना है, ठीक है। अगर आप सभी लोगों का कोई सवाल क्लियर नहीं हुआ हो तो आप उसे क्लियर करके जो भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उसके साथ बैठ के पूरा डिस्कस करना, अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो तो आप उसे क्लियर जरूर करना, और हर संडे को यहाँ पे मीटिंग होती है, आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे लेके आओ, और यहाँ पे बहुत सारे मुझे ऐसे भी लोग लग रहे हैं जो नौकरी भी करते हैं जिनके पास रोजाना टाइम नहीं होता है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है भाई, हमारे पास तो काम धंधा नहीं, हम तो यही करते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं जिनके पास रोजाना टाइम नहीं है, लेकिन वो अगर डेली अपने लोगों को दो दो लोगों को बताएंगे तो 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन होता है, और दो दो लोगों करेंगे 7 दिन के अंदर 14 लोगों को, नए लोगों को हम इन्वाइट कर सकते हैं, और 14 लोगों को अगर आप यहाँ पे बिठाते तो उसमें से अगर मैं बताऊँ 80 और 20 का आंकड़ा हर जगह काम करता है, या सुनो 1 किलो दूध उबालेंगे तो 200 ग्राम खोया, ये नियम है ऊपर वाले का। तो अगर आप 15 से 20 लोगों को इन्वाइट करोगे तो उसमें से 5-6 लोग आपके साथ आएंगे, और वो सारे लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस को ज्वाइन करने में उनका बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, कर सकते हो yes। और अगर पार्ट टाइम काम करके, मैडम ने बताया अगर पार्ट टाइम काम करके, एक स्लाइड आई थी कि अगर 1 महीने के अंदर भी, हर किसी के पास 4 संडे होते हैं और छुट्टी वाले दिन इधर उधर टाइम ना खराब करके अगर हम सब मिलके साथ में काम करेंगे, तो क्या लगता है 1 महीने के अंदर बड़े प्यार से 2 लोगों को ज्वाइन
अगर एक महीने के अंदर दो लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो दो लोग आए वो भी अपने लिए दो दो कराएंगे तो दूसरे महीने चार, इसी तरीके से आपकी साल भर की जो टीम बनती है वो बनती है 8192 की और जोड़े बनते हैं 4096। और हमारी कंपनी एक जोड़े कितना दे रही है? 200। तो एक साल की हमारी इनकम निकल के आती 8,19,200। पार्ट टाइम काम करके, सिर्फ पार्ट टाइम काम करके मैं कहता हूँ 8,19,000 को साइड कर लो, पेट्रोल लगा दिया गाड़ी में उसका। अगर 8,00,000 रुपये भी अलग से आगे तो कोई बुरी बात है क्या? नहीं। पार्ट टाइम काम करके कोई कुछ भी लगाया? नहीं भाई, जितना लगाया लगाया क्या था? 2,500 लगाया था, 5,000 का माल मिल गया, नुकसान है क्या? फायदा ही है। कुछ भी लगाया नहीं, लगाया क्या? सिर्फ दिमाग, दिमाग लगा के अगर एक साल के अंदर 8,00,000 रुपये अलग से आ जाए कोई बुरी बात नहीं। और इसी यही सोच के मैंने शुरुआत किया था और ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। जो काम करो उस काम को करो, उस काम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, लेकिन उस काम के साथ साथ अगर महीने का 15,000 से 20,000 अलग से आएगा कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों ये कार्यक्रम यहीं तक था।